कैसे है? नमस्कार एवरीवन। अभी जो हमारे पास वो है पोको का X3 प्रो। पोको X3 प्रो है, डेड है फोन। तो ये फोन में क्या दिक्कत है, हम आपके सामने आज लाइव इसको डायग्नोस करेंगे और जो भी काम होगा इसको हम लाइव आपके साथ करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिसम्बल करेंगे। डिसम्बल करने के बाद मदरबोर्ड का रीडिंग चेक करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए, तो इसको मैंने डिसम्बल कर लिया। डिसम्बल करने के बाद इस तरह से फोन को फिलहाल रहने देना है। कैमरा वगैरह आप निकाल दीजिए और सबसे पहले आप इसमें डीसी पावर सप्लाई मशीन कनेक्ट कीजिए और देखिए क्या इसका कंजप्शन है। ठीक है, तो ये डीसी पावर सप्लाई मशीन का इसका केबल है, ये केबल है। इस केबल को मैं इसमें डालूंगा और आप डीसी सप्लाई मशीन पे आप इसका रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन स्टेबल है। अब हम पावर की को दबाएंगे तो ये 168 तक चला जाता है, 169 तक जा रहा है और इसके बाद ये पुनः हमारा रिटर्न आ जा रहा है। यानी कि फोन अपना ऑन होने के प्रोसेस में ये जा रहा है और ये पुनः वापिस आ जा रहा है। ऑन होने के प्रोसेस में जाता है और ये पुनः वापिस आ जाता है। इसका मतलब है कि फोन में पावर बन रहा है, सीपीयू भी डिटेक्ट हो पा रहे हैं लेकिन फोन कंप्लीटली बूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, आप इसे कंटिन्यू देखिए। तो चलिए सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्टर का जो है शॉर्टिंग चेक कर लीजिए। ये हमारा नॉर्मल है और आसपास शॉर्टिंग चेक कर लेंगे कंपोनेंट्स वगैरह पे, तो नॉर्मल है। जहाँ तक ये प्रॉब्लम अपना सीपीयू से ही खास करके निकलता है। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड के सील्ड को रिमूव करेंगे, उसके लिए बोर्ड को थोड़ा प्रीहीट करेंगे। ओके, प्रीहीट करने के बाद हम सील्ड को रिमूव करेंगे। तो इससे आगे की जो प्रोसेस है वहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया हूँ एवरीवन, तो आप लोग इसे चाहे तो स्लो करके भी देख सकते हैं। सील निकलने के बाद चेक कर लेना है कि आपका सभी कुछ कंपोनेंट्स और सील निकलने में कोई कंपोनेंट्स का नुकसान तो नहीं हुआ, ये सब आप पहले चेक कर लीजिए। साइड ग्लू कट करना है क्योंकि इसमें डबल डेकर रहता है, तो सबसे पहले साइड ग्लू को कट करेंगे। टेम्परेचर हमारा 220-230 रहेगा। हल्की सी फ्लक्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद सबसे पहले इसके फर्स्ट लेयर को रिमूव करेंगे। आराम से ब्लेड को इंसर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो रैम आपका बेंड हो सकता है। रैम हमारा निकल गया, इसके बाद सीपीयू बाहर करेंगे। बाहर आ जाने के बाद हल्की सी फ्लक्स और पीपीडी अप्लाई करेंगे टेम्परेचर लो करने के लिए। एवरीवन, स्क्रीन पे हमारा ट्रेनिंग के लिए नंबर दिया गया है। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इस तरह के काम, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा आपको चिप लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, आप हर प्रकार के सीपीयू प्रोसेसर पे काम कर पाएंगे।
और देखिए मार्केट में हर तरह के टेक्नीसियन है, ज़्यादातर फोल्डर टच लगाने वाले कस्टमर ज़्यादा है मार्केट में और दुकानदार भी ज़्यादा है, लेकिन आईसी पे काम करने वाले लोगों की संख्या अभी भी कम है। तो आप जल्दी से अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि आप इस तरह के काम करेंगे तो आपके पास काम हमेशा रहेगा। क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम वाली फोन्स मार्केट में सिर्फ घूमते हैं दुकान से दुकान दुकान से दुकान, बहुत कम लोग इसे रिपेयर करते हैं। तो आप जल्दी से अपने आप को अपग्रेड करें। मदरबोर्ड की क्लीनिंग मस्ट है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो कब कौन कंपोनेंट्स निकल जाएगा, किस कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगा आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आप साफ सफाई इसे बेहतर रखें। साइड ग्लू को क्लीन करेंगे 11 नंबर प्लेट की मात्पस से, नहीं तो आपका आईसी को ये बैठने नहीं देगा सही से। ब्लेड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपके ट्रैक कट सकते हैं और प्रिंट निकल सकता है। चेक कर लेना है कोई प्रिंट हमारा मिसिंग तो नहीं है, और उसके बाद कॉटन से साफ़ करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पैड जो है वो ठीक है, कहीं पे कोई स्क्रैचेस भी नहीं है, कोई जुड़ाव भी नहीं है, बरोबर है। ओके, डिसोल्डर वायर पे ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, हल्के हाथों से चलाएंगे। टेम्परेचर लो करेंगे सीपीयू का, इसमें देखिए बीच में कैपेसिटर लगा रहता है सीपीयू के बीच में, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर ये मेरा कैपेसिटर निकल जाएगा तो फ़ोन ऑन नहीं होगा या फिर काम नहीं करेगा, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है। पैरलर अगर आप समझते होंगे कि सर्किट में हमारा पैरलर सीरीज क्या होता है, तो इससे आप समझ जाओगे कि ये निकल भी जाए तो हमारा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर रहते हैं ये पैरलर में लगे रहते हैं कोर सप्लाई के बीचों बीच सेफ्टी पर्पस के लिए, तो ये रहे तो ठीक है, ना भी रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड के पे भी काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे रहते हैं। अब हम रैम का सफाई करेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट का जहाँ हमारा रैम लगा होता है, यानी कि इस आईसी के दोनों तरफ पैड होते हैं, नीचे भी ऊपर भी डुअल लेकर जितने भी हैं। Thank you.
एवरीवन, वीडियो को आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि मैं भी आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिले कि मैं लगातार वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँ। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सोलर वायर चलाएंगे इसके बोथ साइड। क्लीन करेंगे अच्छी तरह से कि कोई हमें कहीं पे कोई गंदगी या फिर कहीं पे ग्लू रह तो नहीं गया हो। तो आप सफाई करोगे तो आपको वो सही से दिखेगा। अब हम रैम को क्लीन करेंगे। अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे आईसी के दोनों साइड। उसके बाद इसे रिवॉल्व करेंगे। अच्छी तरह से सफाई करेंगे। सफाई जब बेहतर हो जाए उसके बाद आपको रिबॉलिंग करनी है। कुछ पॉइंट ऑक्सीडाइजेशन है बट कोई नहीं, रिबॉलिंग के दरमियान वो आ जाता है। इसके लिए हम सेपरेट स्टेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल में क्या होगा कि आप करोगे तो कुछ बॉल्स पे आपकी साइज बड़ी हो जाएगी, जैसे कि जहाँ पे कैपेसिटर था वहाँ पे भी आपका पीपीडी जाएगा ही जाएगा। तो इन सभी चीज़ के लिए आप सेपरेट स्टेंसिल ही इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है।
300 हीट करके आप इसका बॉल बना सकते हैं। 183 PPD इस्तेमाल कीजिए इन सभी काम के लिए। तो 138 में आप 100 ऐड करोगे तो 283 होता है, यानी 290 300 में आपके बॉल आसानी से बन जाएंगे। सभी बॉल बन चुका है, एक बॉल छूट गया है हमारा। हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी होगी तो वो मेल्ट नहीं हो पाया, यानी ज्वाइंट नहीं हो पाया, तो उस बॉल को भी आप आसानी से बना सकते हो। नीचे हल्की सी सफाई कर लेंगे, सफाई कर लेने के बाद स्टेंसिल में वो एक बॉल बना हुआ छूटा रहता है, तो उसको उठा करके आप यहाँ डाल के रिपेयर कर सकते हो। ये हमने डाल दिया और हल्की सी फ्लक्स डाल देंगे वहाँ। एक एक बॉल हमारे लिए मायने रखता है, इसीलिए इसको इग्नोर ना करें आप। देखिए बन गया बॉल, आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रैम को अच्छी तरह से सफाई कर लेना है। इसके बाद इसे भी रिवॉल्व कर लेना है। इसके बाद अब हम मदरबोर्ड को पे काम करेंगे। आईसी हमारा बन चुका है, इसके भी हर एक पैड को हम पूरी की पूरी चमक में लाएंगे। उसके लिए हल्का सा फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी को अप्लाई करेंगे। सोल्डिंग आयरन का बीट पतला रहना चाहिए, अगर नहीं है पतला तो 11 नंबर ब्लेड से आप उसको पतला कर लीजिए ताकि हर एक पैड को वो कनेक्ट कर सके।
ये सोलर वायर से साफ करने के बाद क्लीन करेंगे इसे अच्छे से, और हर एक पैड को ध्यान से देखेंगे कि कोई भी पैड हमारा ऑक्सीडाइजेशन में ना बचा हो, क्योंकि वन शॉट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपको हर एक चीज पे निगाह रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज आपसे चूक ना हो, ये ध्यान रखना है। फ्लक्स अप्लाई करेंगे, हर जगह फ्लक्स हम डाल देंगे, बराबर मात्रा में देंगे, ज्यादा नहीं देना है। सबसे पहले सीपीयू लगानी है, पहले हल्का प्रीहीट करेंगे उसके बाद फिक्स करेंगे। प्रीहीट के लिए आप 200 का टेम्परेचर इस्तेमाल करो, उसके बाद आप 300 में इसे आप लगा दो। लग जाने के बाद फिर रैम डालेंगे और उसके बाद रैम को लगाएंगे। और इसके बाद चार्ज में डालेंगे और देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन सक्सेसफुली वर्क हो चुका है। तो एवरीवन, थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आप मुझसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सेट एक बार हम ऑन करेंगे, ऑन करके भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि फ़ोन हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एवरीवन, हर काम के लिए एक तरीका होता है, एक रूल होता है, ठीक है। आप उस तरीके और रूल्स को आप सीखो, हर काम आप कर पाओगे। अगर आप अंदाजी में कोई काम करते हो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख करके, तो पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज़ वीडियो के अंदर इंक्लूडेड नहीं करी जाती है।